पंजाब यूनिवर्सिटी से आप घर बैठे बीएड कर सकते हैं, बिल्कुल ही आप डिस्टेंस मोड बीएड के बारे में आज कंप्लीट एक्सप्लोरर वीडियो है। इसमें कैसे किस प्रकार से आपकी जो कक्षा होने वाली है, किस प्रकार से क्या एलिजिबिलिटी है, आप घर बैठे जो बीएड करनी है कितनी फीस लगने वाली है, क्या पीसीपी की प्रोसेस रहेगी, कितनी प्रकार से क्या कितनी छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी, अगर आप मान लो एम्प्लॉय वगैरह हैं और आप पत्राचार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको कितनी छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी, आपके एनओसी की क्या प्रोसेस रहेगी, राजस्थान के संदर्भ में विशेष सारी इसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस बीएड का जो फॉर्म शुरू हुए हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डेट इंफॉर्मेशन से लेकर फीस इंफॉर्मेशन, पीसीपी से लेकर सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह रणावत। एजुकेशन और जॉब कंटेंट को लेकर मैं लगातार बात करता हूं और स्पेशली डिस्टेंस एजुकेशन पर मैं अलग अलग वीडियोज लेकर आता रहता हूं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है और जॉब अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ की जो यूनिवर्सिटीज है डिस्टेंस की तरफ से जो डिस्टेंस बीएड करवाई जाती है उसकी क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस किस प्रकार से आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई करने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर सारी चीजें आपके साथ कंप्लीट शेयर आपको वन बाय वन अपडेट्स हैं वो सारी मैं देने वाला हूं ताकि कहीं कोई मिस्टेक्स की संभावना नहीं रहे। और जितनी भी सारी बातें हैं मैंने फुल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा है उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप विश्वास मेरे पर कर सकते हैं। फॉर्म है वो 16/10/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 5/11/2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद जो है आपके साथ इसमें मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी क्योंकि फॉर्म कई बार ज्यादा आते हैं, आपको सभी को पता है डिस्टेंस पीरियड की डिमांड ज्यादा है, तो जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो 6/11/2024 को निकाली जाएगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो काउंसलिंग होती है, आप जैसे बीएड करते हैं आप काउंसलिंग वगैरह जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस 7/11 से लेकर 8/11 मतलब 7 नवंबर से 8 नवंबर को यूनिवर्सिटी में होगी, तो वहां पर आपको जाना होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा तब आपको वहां जाने की जरूरत है। फिलहाल तो आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है और 6 तारीख को जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको जो है डीवी वगैरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए वहां पर जाना होगा। तो ये साथियों जो अपडेटेड डेट शेड्यूल की अगर मैं बात करूं मैंने आपको बता ही दिया, तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है फॉलो करके आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो आपका जो है मेरिट में अगर नाम आता है तो आप 6 तारीख को देखेंगे। और वो सारी अपडेट जो बात की भी जो अपडेट होगी वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन वाला उस पर मैं अपडेटेड दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं तो उसको ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो यहां पर अगर मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस की मैं बात करूं फॉर्म भरने की, 1000 रुपये जनरल कैटेगरी, 500 रुपये एससी एसटी और अदर जो कैटेगरीज है उनके लिए रहने वाली है। आपकी काउंसलिंग फीस वगैरह जो है 500 रुपये, वो भी पीयूबीएड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, सीधा आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर आप सीधा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई करना होगा। आप सिंपली जाइए वेबसाइट पर जाकर उसकी वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर मैं एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं यहाँ पर टोटली 800 सीट्स हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद अदर स्टेट के लिए 300 सीटें, लेकिन यहाँ पर क्या पंजाब वाले जो सीटें भर नहीं पाते तो उसके बाद सभी के लिए अदर स्टेट वालों के लिए भी उसमें सीटें ओपन कर ली जाती है। मतलब आपको कम मेरिट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर कम परसेंटेज है फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में मेरे कम परसेंटेज में मैं फॉर्म अप्लाई नहीं करूँ, ऐसा नहीं सोचना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आपका इजी वे में पंजाब यूनिवर्सिटी की इस बीएड में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की मैं अगर मैं टोटली फीस की मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फीस है वो काउंसलिंग के समय जमा करवानी होगी, उसमें लगभग आपको 26,000 या 27-28,000 समथिंग कुछ लगेगा। और ओवरऑल में 4 सेमेस्टर है आपका, वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम से आपकी बीएड होगी, तो 4 सेमेस्टर की अगर मैं एवरेज फीस की मैं बात करूँ तो 70-80 हज़ार रुपये समथिंग आपका फीस में लगने वाला है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी ज़्यादा है। पी कक्षा लगती है उसकी मैं बात करूँ तो 1 सेमेस्टर में 14 दिन की लगभग आपकी मानते हैं, तो पीसीपी में आपको जो है पीसीपी एग्जाम्स ओवरऑल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 50 से 60 दिन की आपको छुट्टियों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपकी प्रोबेशन वगैरह में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको एडजस्ट होता है कम से कम 50 छुट्टियों की आपको इसमें 2 साल के बीएड में जरूरत होने वाली है और 70 से 80 हज़ार समथिंग आपकी इसमें फीस रहने वाली है। और आपका एडमिशन होता है तो आपको यूनिवर्सिटी अगर काउंसलिंग करवानी और आपका सिलेक्शन हो जाए, और राजस्थान के कैंडिडेट्स काफी कैंडिडेट्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटीज़ से डिस्टेंस बीएड करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ है और आपको कहीं कोई अगर आप भविष्य में लेक्चरर फाइट करते हैं, सेकंड ग्रेड प्रमोशन होता है, कुछ भी है तो आपको कहीं कोई इशू नहीं आने वाला है। अगर मैं यहां पर फीस वगैरह मैंने बता दी, अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो डिस्टेंस बीएड अगर आप करना चाहते हैं साथियों तो डिस्टेंस बीएड के लिए आपका रेगुलर बीएसटी से डीएलएड किया होना चाहिए। अगर आपने एनआईओएस से डीएलएड किया है वो वैलिड नहीं है। आपने फेस टू फेस मोड में आपने डीएलएड, जेबीटी बोल लीजिए या फिर बीटी
सी बोल लीजिए, यूपी में अलग अलग नाम से बोलते हैं, वो आपका रेगुलर क्या हुआ होना चाहिए, प्लस आप टीचर की पोस्ट पर वर्किंग होनी चाहिए। केवल बीएसटीसी करने से आप डिस्टेंस बीएड नहीं कर पाएंगे, एनसीटी के रूल्स अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है प्रावधान रखे जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की ये सिंपल ही बात है, आपने बीएसटीसी डीएलएड जेबीटी बीटीसी जो भी बोल दीजिए, एलिमेंट्री एजुकेशन का अगर आपने टीचर का कोर्स कर रखा है और आप टीचर के रूप में कार्यरत हैं तो आप ये जो है ये बीएड है इसके लिए आप पात्र हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने मान लो बीएसटीसी वगैरह कर रखी है और आसाम पुलिस में आप एलडीसी हैं तो आप इस बीएड के लिए पात्र नहीं है। अगर आपने बीएसटीसी नहीं कर रखी है और किसी भी जॉब में है तो आप इस बीएड के लिए पात्र नहीं है। तो ये जो है टीचर के रूप में वर्किंग है एलिमेंट्री एजुकेशन में और बीएड करना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सिंपल ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करना है, वहां पर जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जो फीस वगैरह है वो पे कर देनी है। अगर आपका मेरिट में नंबर आता है तो फिर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर वहां जाना होगा। और आपके साथ ही ग्रेजुएशन में जनरल कैंडिडेट के लिए 50% और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45% होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपके एमए वगैरह में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भी मिनिमम परसेंटेज आपके होने चाहिए। अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटीज पूरी करते हैं तो आप बीएड के लिए पात्र हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको साथ बनाना होगा, ये जो है यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसमें भी अटैच है, तो इसको अपने जो एचएम है या पीओ वगैरह से आप सत्यापित करवा कर साथ ले सकते हैं। आपको वहां काउंसलिंग में जाएंगे तो वहां पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट 10th 12th उसके आपको माइग्रेशन की वगैरह की भी जरूरत रहने वाली है, तो वो सारे जो फॉर्मेलिटीज है वो आप पूरी कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन सारे इश्यूज दूर हो जाएंगे। बाकी मोस्टली बातें मैंने सिंपली बता दी हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा, लगभग मैंने बातों को क्लियर किया है। तो साथियों ये कुछ जो बात थी मैंने डिस्टेंस एजुकेशन बीएड को लेकर मैंने बात की, और यूनिवर्सिटीज के लगातार वीडियोस लेकर आता रहूंगा। इसकी अपडेट के लिए हमारा जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पर जो मेरिट वगैरह की अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।